हेलो फ्रेंड्स, फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर या मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के तीन कंपोनेंट होते हैं, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कैश मैनेजमेंट के अंदर बामोल्स मॉडल, डैट इज़ ऑप्टिमम कैश बैलेंस अंडर सर्टेनिटी। ये टॉपिक जो है ऑलरेडी मैं कैश मैनेजमेंट के अंदर कवर भी कर चुकी हूँ। इसका जो सेकेंड मॉडल है वो कैश मैनेजमेंट टू के अंदर कवर कर चुकी हूँ। तो ये जो मेरा लेक्चर है ये अपडेटेड है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डेप्थ के अंदर जो है बामोल्स मॉडल किया है, जिसके अंदर हम डिटर्मिन करते हैं, जहाँ पर हमें कैश की फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि इतना इनफ्लो होगा, इतना आउटफ्लो होगा। तो उस सिचुएशन के अंदर हम ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो है किस तरह से डिटर्मिन करते हैं। और उसी तरह इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग जो है gargshashi.com पे डाल दिए हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो, जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हमें ट्रांजैक्शंस को डे टू डे जो हमारे खर्चे होते हैं उनके लिए हमें ऑप्टिमम कैश जो है रखना पड़ता है, जिसको हम ट्रांजैक्शन मोटिव भी कह देते हैं। और नेचुरली फर्म की जो लिक्विडिटी पोजीशन है, लिक्विडिटी पोजीशन का अर्थ होता है कि जब हमारे पास जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए कैश होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हमारे पास कैश नहीं होगा तो हमारी इमेज ख़राब हो जाती है। तो फर्म जो है अपने पास ऑपरेटिंग कैश बैलेंस जो है, जो डे टू डे उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए भी रखती है, और नेचुरली इसको एडिशनल कैश भी चाहिए होता है एज ए सेफ्टी स्टॉक। तो फर्म जो है इसको ना तो बहुत ज़्यादा कैश रखना चाहिए और ना ही बहुत कम कैश रखना चाहिए। इसका जो कैश का बैलेंस है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। तो ऑप्टिमम कैश जो है उसको हम दो वे से डिटरमिन कर सकते हैं। एक मॉल्स मॉडल है, जहाँ पे ऑप्टिमम कैश बैलेंस, जहाँ पे हमें उसकी इनफ्लो एंड आउटफ्लो की प्रेडिक्शन बड़ी सर्टेनिटी के साथ कर सकते हैं। और सेकंड जो है अनसर्टेनिटी मिलर एंड और मॉडल, ये मेरा ऑलरेडी जो है कैश मैनेजमेंट टू के अंदर ये कवर हो चुका है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे विलियम जे बामोल का जो मॉडल है, यहाँ पे ये एक मॉडल है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर कैश है। ये बेसिकली बिल्कुल जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हम जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमिन करते हैं, वैसे ही इसके अंदर जो है हम ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो है डिटरमिन करते हैं। तो देखो, यहाँ पे ऑप्टिमम कैश बैलेंस वहाँ पे डिटरमिन होता है जहाँ पे टोटल कॉस्ट जो होती है मिनिमम होती है। टोटल कॉस्ट का अर्थ होता है कि जहाँ पे हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है और जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो मिनिमम होती है और एक दूसरे के इक्वल होती है। और देखो, यहाँ पे ये एक फॉर्मल अप्रोच है जिसके द्वारा हम फर्म का ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो है किस तरह से डिटरमिन होता है, और वही टेक्निक जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर अडॉप्ट करते हैं वहाँ पे भी हम यही इस्तेमाल करते हैं। और जो बामोल का मॉडल है ये कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि यहाँ पे, क्योंकि ये ऑप्टिमम कैश बैलेंस अंडर सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी का होता है कि जहाँ पे हमें श्योर है कि इतनी हमें इनफ्लो या इतना आउटफ्लो चाहिए। तो देखो, यहाँ पे फर्म जो है अपनी जितना उसको कैश चाहिए उसकी जो प्रेडिक्शन है सर्टेनिटी के साथ जो है कर सकती है कि मुझे इतना कैश चाहिए, मेरे को यहाँ से कैश आएगा, यहाँ पर कैश आएगा। और फर्म की जो कैश पेमेंट्स होती हैं इवनली है, यूनिफॉर्मली है। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इज़ नोन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अर्थ होता है कि जैसे मान लो 1,00,000 रुपया जो है मेरे पास सिक्योरिटीज़ के अंदर है, अब उन सिक्योरिटीज़ को मैंने कैश में कन्वर्ट करना है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, 1,00,000 रुपया मेरा कहाँ पे है इन्वेस्टेड, सिक्योरिटीज़ के अंदर। अब मैं जब सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट करता हूँ तो अगर मैं उनको सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रखता है तो वो इंटरेस्ट या डिविडेंड अर्न करती, तो जितना इंटरेस्ट या डिविडेंड वो अर्न करती वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। और उसी तरह क्या होता है कि नेचुरली जब हम सिक्योरिटीज़ को कैश के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमें उस पर खर्चा पड़ता है, और डैट इज़ कॉल्ड ट्रांजेक्शन कॉस्ट। और ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ये भी कॉन्स्टेंट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमें पता होती है और यहाँ पर ये भी फ्लक्चुएट नहीं करती, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी जो है वो सेम रहती है, फ्लक्चुएट नहीं करती। अब जो बामोल का मॉडल है इसको हम इस तरह से समझेंगे कि देखो, यहाँ पे इतना कैश जो है हमेशा हमारे पास चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए हम अपनी सिक्योरिटी जो है सेल कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि यूनिफॉर्मली जो है कैश का खर्चा हो जाएगा और जब पीरियड ख़त्म होगा तो उस वक्त चीज़ ज़ीरो की सिचुएशन हो जाएगी। तो उसी तरह क्या होगा, फिर अगेन हमें मार्केटेबल सिक्योरिटी सेल करनी पड़ेगी और उतना ही कैश फिर से आ जाएगा, और उसी तरह यूनिफॉर्मली ये स्पेंड हो जाएगा, ये पैटर्न चलता ही जाएगा। और देखो, जो कैश बैलेंस है वो यूनिफॉर्मली खर्च होता है, तो जो एवरेज कैश बैलेंस हमें चाहिए वो है
सी डिवाइडेड बाय टू। और उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम उसको सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रखते हैं तो वो इंटरेस्ट या डिविडेंड अर्न करते, वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमने सेक्रीफाइस कर दिया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है, उसको हम होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं, होल्डिंग कॉस्ट फॉर कीपिंग द कैश बैलेंस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट इज़ द रिटर्न सेक्रीफाइस ऑन द मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। नेचुरली जब हमने उसको कैश में कन्वर्ट किया तो जो उस पर रिटर्न हम कमा सकते थे वो हमने सेक्रीफाइस कर दी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो जो फर्म की होल्डिंग कॉस्ट है वो इस तरह से आती है के इंटू सी बाई टू, जो कि एवरेज कैश बैलेंस है। और उसी तरह क्या है कि जब हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को कैश के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमें उस पर खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पे है कि टोटल फंड जो है हमें टी चाहिए और जो सी जो है हमने इतना बैलेंस अपने पास रखना है, तो टी को जब हम सी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। और अगर हमें पता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी हमें पता है यहाँ पर वो स्मॉल सी है, तो यहाँ पर जितनी ट्रांजेक्शन आती हैं टी डिवाइडेड बाई सी उसको हम स्मॉल सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो जाएगी होल्डिंग कॉस्ट प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो जो होल्डिंग कॉस्ट है, जब डिमांड फॉर कैश इंक्रीज होती है तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ये होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट दोनों ही जो है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाती है। तो नेचुरली यहाँ पे हमें दोनों को जो है बैलेंस करना पड़ता है, जहाँ पे ये दोनों बैलेंस होते हैं वहाँ पे हमारी कॉस्ट जो होती है मिनिमम होती है और वहाँ पे हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो है डिटर्मिन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो ये जो है हमारी, इस तरह से हमने जो है जो वो एक्सेस है वहाँ पे कैश बैलेंस लेना है, इधर हमने कॉस्ट लेनी है। तो यहाँ पे देखो ये जो कॉस्ट है ये हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और ये जो हमारी कॉस्ट है ये होल्डिंग कॉस्ट है। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस बिंदु पर जाके हमारी जहाँ पर ये होल्डिंग और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, होल्डिंग और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ये एक दूसरे के इक्वल है, होल्डिंग और अपॉर्चुनिटी तो सेम होते हैं, जहाँ पे होल्डिंग और ट्रांजेक्शन कॉस्ट सेम होती है तो वहाँ पे हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो होती है मिनिमम होती है। उसी तरह देखते हैं कि बामोल के मॉडल के अंदर हम किस तरह से ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो है निकाल सकते हैं। तो इसका देखो जो फार्मूला है वो है, यहाँ पे देखो जो सी जो है डैट इज़ दी ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो हमने डिटर्मिन करना है, तो यहाँ पे टू और ये जो सी है ये स्मॉल है, स्मॉल सी इंटू टी और डिवाइडेड बाय के। तो यहाँ पे सी जो है डैट इज़ दी ऑप्टिमम कैश बैलेंस, जो टी है डैट इज़ दी टोटल कैश नीडेड ड्यूरिंग द ईयर, सी जो है पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है, के जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इस तरह से हमने देखना है कि हमने डिटर्मिन कर लेना है कि हमने हमेशा ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो है कितना रखना है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो बामोल का मॉडल है इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। देखो यहाँ पे हम देते हैं कि एक तो सर्टेंटी के साथ हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, देखो सर्टेंटी के साथ हम नहीं पता कर सकते कि हमें कितना कैश चाहिए और कितना कैश का खर्चा होगा। और उसी तरह यहाँ पे हम कहते हैं कि जो कैश फ्लो है वो यूनिफॉर्म रहता है लेकिन उसके अंदर फ्लक्चुएशन होती है। और उसी तरह क्या होता है कि जो फॉर्म होता है वो कॉन्स्टेंट वे में जो है कैश को यूज़ नहीं करती, उसमें भी फ्लक्चुएशन होती हैं। तो ये जो मॉडल है इन जो इसके अंदर जो लिमिटेशन है ये है कि यहाँ पर कैश फ्लो जो होता है क्योंकि उसके अंदर कांस्टेंट मानते हैं तो ये परमिट नहीं करता कि कैश फ्लो फ्लक्चुएट करे। और यहाँ पे हम ये भी अजम्पशन लेते हैं कि हम सर्टेंटी के साथ जो है इनफ्लो एंड आउटफ्लो की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं होता।